हाय फ्रेंड, मैं मिस्टर हेमचंद्र महतो और आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल लवर टेक से स्वागत है दोस्तों। तो एक बार फिर मैं जॉब का नोटिफिकेशन लेकर आ गया हूँ जो निकला हुआ है आपका महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सालय इंदौर में निकला हुआ है। कहाँ पर निकला है? महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय एवं संबद्ध चिकित्सालय इंदौर से ये वैकेंसी जो है निकला हुआ है। ठीक है, जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पर ये दिया हुआ है सारा चीज़। और ये वैकेंसी रिलीज हुई थी, कब रिलीज हुआ था? 8/10/2021 को। और ये इसका सीरियल नंबर है। ठीक है, अब विज्ञापन में देखते हैं क्या है कि ये जो है राष्ट्रीय वाहक जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम के अंतर्गत इलाइजा लेबोरेटरी में अस्थायी लैब टेक्नीशियन की जरूरत है। ठीक है, कार्य सुविधा की अति आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए माइक्रोबायोलॉजी विभाग के अंतर्गत एक पद अस्थायी स्वीकृत 90 दिन तक रखने हेतु विभाग के अनुरूप आवश्यकता के आकलन उपरांत अस्थायी मानव संसाधन हेतु किया जाना है। उक्त पद की पूर्ति VBDCP मध्य प्रदेश प्रशासन के पद अर्हताओं के नियमानुसार की जानी प्रस्तावित है, जिसका पद जो है नीचे दिया गया कितना पोस्ट है नहीं है। ये जो है मेनली बोला गया है कि आपको 90 दिन के लिए ये रिक्रूटमेंट किया जाएगा। अस्थायी है माने संविदा पे भर्ती है। ठीक है, इसके साथ साथ इसमें जो है देखते आगे टोटल पोस्ट कितना है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे जो है लैब टेक्नीशियन ये पार्ट टाइम जॉब है। क्या ये पार्ट टाइम जॉब है? और इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है 10+2 फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी DMLT फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट और रजिस्ट्रेशन जो है पैरामेडिकल काउंसिल होना चाहिए, जो कि मध्य प्रदेश से होना चाहिए। मध्य प्रदेश पैरामेडिकल काउंसिल से रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और इसका सैलरी मिलेगा 10,000 पर मंथ मिलेगा। और टोटल वैकेंसी जो है नंबर 1 पोस्ट है। एज लिमिट जो दिया गया है मैक्सिमम जो है 40 ईयर्स होना चाहिए ऑन 1/10/2020 डेट तक। ठीक है, और एज रिलैक्सेशन जो दिया गया है यहाँ पे 5 ईयर्स का है फॉर फीमेल एंड रिजर्व कैटेगरी के लिए। ठीक है, इसके बाद जो दिया गया है कि देख लेते क्या दिया है। ठीक है, कि निम्नलिखित पद पर मासिक मानदेय जो है पर 89 दिवस की अवधि के लिए है। ठीक है, आवश्यकता अनुसार जो है जो बोला गया था ऊपर में कि इतना दिनों के लिए है, यहाँ पर दिया 89 दिवस के लिए, 89 दिन के लिए है, 3 महीने के लिए। और इसको जो है घटाया या बढ़ाया भी जा सकता है। पूर्णतः यह अस्थायी रूप से सेवाएँ लेने के लिए है। यहाँ पर लिखा है पूर्णतः अस्थायी रूप से सेवाएँ ली जाना है। ठीक है, बोला गया आवश्यकता अनुसार घटाया बढ़ा जा सकता है। चयनित अभ्यर्थियों को मानदेय WVD की CP पर मध्य प्रदेश भोपाल के मापदंडों के आधार पर देय होगा। इच्छुक उम्मीदवार जो है आवेदन पत्र एवं समस्त मूल दस्तावेज व प्रतिलिपियों के साथ प्रातः 9 बजे शासकीय स्वासी महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सालय इंदौर दिनांक 12/10/2021 को, दैट माने इसका मतलब यह कल 9 बजे आपको इंटरव्यू के लिए आपको उपस्थित होना पड़ेगा सभी दस्तावेजों के साथ। ठीक है, आवेदन जो है आवेदन का प्रारूप जो है इसी के नोटिफिकेशन के लास्ट PDF में दिया गया है। जानकारी चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर की वेबसाइट पे सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी, जो भी जानकारी आपको चाहिए। ठीक है, आवेदन का प्रारूप वेबसाइट से प्राप्त करें, जो मैंने बोला कि इस PDF लास्ट में दिया हुआ है। और इसमें नोट जो दिया हुआ है कि अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त का रिपोर्टिंग समय 9 बजे से प्रातः 11 बजे तक होगा। रिपोर्टिंग के समय उक्त समय की अवधि उपरांत आवेदक पत्रों पर विचार एवं मान नहीं किया जाएगा। यदि इसके बाद यदि आएगा उसका विचार नहीं किया जाएगा। यहाँ पर डॉक्टर का नाम है जो इसको जिस पर डिपार्टमेंट होगा। ठीक है, यह आवेदन, ठीक है, इस आवेदन को भर करके आप लोग कल 9:30 से 11 बजे आपको रिपोर्टिंग टाइम है उस टाइम में प्रेजेंट होना पड़ेगा फॉर आपको किसके लिए, इंटरव्यू के लिए। ठीक है, ये जो सिलेक्शन होगा आपका इंटरव्यू के माध्यम से ही होगा। क्या है? इंटरव्यू के माध्यम से होगा। ठीक है, तो यदि ये वीडियो आप लोग अच्छा लगे जो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल लेबोरेटरी टेक्नीशियन।